Mr. Pandya. Now let's move towards blood pressure. ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो मूविंग ब्लड है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है। दिस मूविंग ब्लड प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा ना, है ना? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज वेजल्स एनीथिंग, वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा मूविंग ब्लड, ये ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के नॉर्मली टू फेज होते हैं, डायस्टोल एंड सिस्टोल। तो ये ब्लड प्रेशर के कितने फेज होते हैं? टू फेज होते हैं। ये है हमारा डायस्टोलिक और ये हमारा सिस्टोलिक। डायस्टोलिक के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली जब नॉर्मल रहता है कितना रहता है? 80 mm Hg। इसमें कितना रहता है? 120 mm Hg। अब ये ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, ये जो ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेंट्रिकल प्रेशर लगा रहा है। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो रहा है? यहाँ पे कंट्रैक्ट हो रहा है ना, कंट्रेक्शन का फेज है ये। इट इज अ फेज ऑफ कंट्रेक्शन। डायस्टोलिक इज अ फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन। इस टाइम पे हमने बलून से भरे हुए पानी को, पानी से भरे हुए बलून को दबाया, ठीक है? क्या किया? पानी से भरे हुए बलून को हमने प्रेस किया, तो उस टाइम पे प्रेशर तो होगा ही ज्यादा, इसलिए ये 120 mmHg है। तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारा ब्लड यहां से मूव करेगा एक साथ, है ना? इस टाइम पे क्या होता है, हार्ट होता है रिलैक्स। यहां पे ब्लड निकलने की बजाय यहां पे ब्लड आता है। ठीक है, दिस टाइम पे, दिस इज द टाइम ऑफ रिलैक्सिंग, है ना? और क्या डिफरेंस है दोनों में? इस टाइम पे क्या होता है, रिफिलिंग होता है। किसका? वेंट्रिकल का। ओ सॉरी, इस टाइम पे क्या होता है, पंपिंग आउट होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड सिस्टोलिक के टाइम पे। और इस टाइम पे क्या होता है, रिफिलिंग ऑफ ब्लड इतना क्लियर है? यस सर। डायस्टोलिक फेज। अब देखिए, हम जाते हैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के ऊपर। अब सिस्टोलिक के टाइम पे यहां पे हमारा ब्लड प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फैक्टर्स? दो फैक्टर्स है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिस पे डिपेंड करेगा। दिस टू फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन इज कार्डियक आउटपुट, एंड टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से पर डिपेंड करता है ओनली वन, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक समझ में आया? यस सर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स के ऊपर, कार्डियक आउटपुट के ऊपर एंड टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर। अभी मैं बताऊंगा, क्लियर होगा ये। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से पर डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाइए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? टोटल पेरिफेरल असिस्टेंस, सिंपल सी बात है, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है उस टाइम पे जो ब्लड वेसल में से जो ब्लड निकलता है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि कार्डियक आउटपुट अगर ज्यादा होगा, अगर इसमें से 1 मिनट के में अगर रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग में 5 लीटर ब्लड निकलता है पर मिनट, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं 20 लीटर सपोज निकल रहा ब्लड 1 मिनट में, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा जब ज्यादा ब्लड निकलेगा एक साथ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये कार्डियक आउटपुट समझ में आ गया। फर्स्ट फैक्टर, व्हेन अवर वेंट्रिकल स्टार्ट पंपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर टू द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने के कारण ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, ज्यादा ब्लड पंप होता है, मोर ब्लड पंप फ्रॉम वेंट्रिकल, जिसके कारण ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। नाउ सेकेंड फैक्टर इज टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ये थोड़ा एक एक फेस खत्म हो जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाया करो। हाँ, नाउ टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, अरे क्या हो रहा, हाँ ये सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं हम, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें देखना है, पता करना है ये रीजन कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, मतलब सपोज आप प्लैंक होल्ड कर रहे हो और सेकेंड कर रहे हो रनिंग, तो दोनों के बीच में ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंसेस आएगा, इसलिए ये सभी हम देख रहे हैं, है ना। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा वो तो नहीं हो रहा है ना, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो वही बता रहा हूँ मैं भी। दिस इज अवर बॉडी, यहां पे क्या है हमारा हार्ट, ठीक है, यहां से ब्लड वेसल्स निकलती है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, यहां से ब्लड वेसल्स निकलती है, इस ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं दिस सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, दिस ब्लड वेसल्स इस पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, सराउंडिंग आउटसाइड वाला, ये जैसे ये पूरा है, ये सेंटर है, तो पेरिफेरल मतलब क्या होगा, दिस रीजन को हम पेरिफेरल बोलते हैं ना, पेरिफेरल एरिया, आउटसाइड एरिया, सराउंडिंग एरिया, तो यहां पे ये क्या है, सराउंडिंग है, है ना। इस सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं हम, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज में होती है, हाथ पैर सब जगह होती है, वो उसको बोलते हैं पेरिफेरल। अब इसका रेसिस्टेंस से क्या लेना देना है, नीतीश आवाज आ रही है मेरी, अब इसका रेसिस्टेंस कैसे कम होगा बेटा, देखिए पेरिफेरल ब्लड वेसल्स,
जब हमारा हार्ट, ये दो कंडीशन है, अभी आ रहे हैं हम धीरे से कॉन्सेप्ट पे, बता रहा हूं पेरिफेरल असिस्टेंस। हाँ, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अनदर सेकंड कंडीशन, अब ये बताइए, ये इसमें से जो ब्लड है इसमें इजीली जाएगा या इसमें से जाएगा इजीली? ए में से जाएगा इजीली या बी में से जाएगा? इसमें जाएगा ब्लड हमारा, किस ए में जाएगा? क्यों ए में जाएगा? क्योंकि इसका डायामीटर और वी कैन से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही होता है ना, डायामीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कई बार क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखो एरिया की स्पेलिंग भी गलत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका डायामीटर बड़ा है, इसका छोटा है, तो यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कहां पे ज्यादा होगा? यहां पे क्यों इजीली जाएगा ब्लड? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, कम होगा रेजिस्टेंस। यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, यहां पे क्या है रेजिस्टेंस? ज्यादा होगा सर, लार्ज है, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। अब ये दो कंडीशन देखिए, मतलब कि दिस आर अवर पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, सेम ऐसा ही होता है हमारे, अरे यार सेम ऐसे ही होता है हमारे, कहां पे, दिस एरिया में। इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनका जो डायामीटर है, ये अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, पेरिफेरल जो रेसिस्टेंस है वो कम होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा ना, यहां पे क्या होगा, लेस ब्लड प्रेशर। समझ पा रहे हो, ज्यादा एरिया, डायमीटर बड़ा, ब्लड इजीली निकल जाता है, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। यह चीज समझ में आई? यहां पे क्या है, मोर रेजिस्टेंस मींस मोर ब्लड प्रेशर, ये क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? डन सर। ओके, यस सर। ठीक है, ये कंडीशन है ब्लड प्रेशर के ऊपर, जो हमारा डायमीटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर का। अब यहां पे हमारा जो डायामीटर है ना, ये चेंजेबल है, पेरिफेरल ब्लड वेसल का जो डायामीटर है वो चेंजेबल विद एक्सरसाइज। तो यहां पे अगर हमारा पेरिफेरल ब्लड रेजिस्टेंस, हमारा जो प्रेशर है छोटा रहेगा तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। ये कैसे चेंज होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, अभी उस चीज पे जाऊं या नहीं जाऊं? ओके, बैक टू दिस कॉन्सेप्ट, उसमें बाद में जाएंगे हम, अभी वो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। तो यू कैन सी हियर, जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट एंड दिस पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर।
दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होगा। अब ये मेन चीज ये आती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा टाइप की एक्सरसाइज, डायनामिक एक्सरसाइज, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बढ़ता है ना। Yes, sir. मैं वापस आऊंगा इस चीज के ऊपर, अभी हमने छोड़ा है पर ये क्वेश्चन पूछ के वापस आऊंगा इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट अभी काम देगा, क्यों बताया मैंने ये। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका, ड्यूरिंग रनिंग, नॉर्मल इंटेंसिटी की रनिंग करी आपने या डायनामिक एक्सरसाइज की, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एग्री, डायस्टोलिक क्या होगा, कैसा जाएगा बताइए, कैसा जाएगा, एनीवन, डायस्टोलिक भी बढ़ेगा, बढ़ेगा पक्का। When we perform dynamic exercise, systolic blood pressure increases, but there will be a no change in diastolic blood pressure, or it may decreases even. बढ़ने की जगह कम हो जाएगा या फिर नहीं चेंज होगा, समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग, इज इंटरेस्टिंग ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, सिस्टोलिक तो बढ़ रहा है, अभी ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा आपको, जो मैंने अभी तक बताया, इतना माथा खाया आपका, क्यों नहीं बढ़ेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, ठीक है, मिटा दूं, सोचो थोड़ा सा, क्यों नहीं बढ़ेगा, सोचो सोचो, मैंने यहां कुछ बताया था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अ इंडिकेटर ऑफ कार्डियो कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, एक ही चीज डिसाइड करता है। आप थोड़ा सा सोचिए, डेवलप योर इंटेलिजेंस और थिंकिंग इमेजिनेशन, थोड़ा सा सोचो, यहां पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा बट ये नहीं बढ़ा, एक्सरसाइज के टाइम पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा, डायस्टोलिक प्रेशर किसी नहीं बोल, डायस्टोलिक किसी नहीं बढ़ेगा सर, क्योंकि उसमें हमारा जो, हाँ हाँ बोलिए, जो वेन्स होता है, आप बताए थे कि उसमें नाइट्रस कोई कैसे तो प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ता ही नहीं और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गया रहता है सर, वहां पे तो सिर्फ पेरिफेरल रेजिस्टेंस काम कर रहा है सर, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा नहीं सर। राइट राइट, याद आ गया, फिर वही तो पूछ रहा था मैं, एक मिनट,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनिल। जैसे कि अनिल ने कहा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नाउ सी द पिक्चर हियर, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चेंज होता है हमारी ब्लड वेसल्स में। कौन सी वाली ब्लड वेसल्स में? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में, है ना। तो उसमें क्या होता है, सिक्रेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, और वी कैन से कुछ लोकल वेसो डायलेटर्स का सिक्रेशन होता है। लोकल वेसो डायलेटर्स, वेसो डायलेटर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, उनका ये एरिया बढ़ा देते हैं। वेसो डायलेटर्स मीन्स क्या है, ये क्या है, वेसो डायलेशन मीन्स, वेसो मीन्स ब्लड वेसल्स, डायलेशन मीन्स डायलेट होना। वेसो मीन्स ब्लड वेसल्स और डायलेट होना मीन्स उनका एरिया का बढ़ना, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ना। तो वेसो डायलेटर्स मीन्स वो केमिकल्स, वो सब्सटेंस जो ब्लड वेसल्स के एरिया को बढ़ा देते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, कुछ वेसो डायलेटर का सिक्रेशन होता है, कहां पे, सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में। तो उनके वजह से क्या होता है कि इसका डायमीटर बढ़ जाता है। तो मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई थी, ए वाली कंडीशन जिसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा बड़ी थी। तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, इनका एरिया बढ़ जाता है ना। और रेस्ट के टाइम पे क्या रहता है, ऐसी रहती है नॉर्मल। बट एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, इनका क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। तो डायलेशन के वजह से क्या होता है कि जो, अब यहां पे याद रखिए, रेस्ट के टाइम पे ये नॉर्मली वेसो कंट्रिक्टेड रहती है, नॉर्मल रहता है डायमीटर। एक्सरसाइज के टाइम पे ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। तो ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो रहा है ना। एरिया बढ़ गया, जो मैंने दो डायग्राम बताए थे आपको, ये ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से क्या हो रहा है, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर। तो जब टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आई? यस सर। देखो और सिंपलर करता हूं थोड़ा सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन करना। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो यहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मूविंग ब्लड के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कितना ब्लड मूव कर रहा है, कार्डियक आउटपुट कितना है, 25 लीटर करेगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा ही होगा। पर डायस्टोलिक क्या है, मूविंग नहीं कर रहा उस टाइम पे ब्लड, इस टाइम पे प्रेस नहीं कर रहा, कंप्रेशन मूव नहीं कर रहा ब्लड, ब्लड का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ब्लड बस किस पे डिपेंड करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कि इसका एरिया क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो एक्सरसाइज के टाइम पे ये बढ़ जाता है, तो ये बढ़ने के कारण क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर कौन सा कम होगा, जो कि सिर्फ टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, सिर्फ डायस्टोलिक, ये टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो डायस्टोलिक कम होगा ना, कार्डियक आउटपुट तो बढ़ा हुआ ही रहेगा। ये चीज समझ में आई?